पहले मैं सरपंच साहब का और सभी ग्रामवासियों का और खास करके जो मेरी महिला शक्ति यहाँ पे बैठी है इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज इस कथा के माध्यम से चाहे राम के नाम से के माध्यम से जाए मेरे को यहाँ पे बुलाया तो तय दिल से आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। काम का टाइम है, नारी शक्ति भी बैठी है। जो सरपंच साहब ने मेरे लिए जो बातें कही मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने जो मेरा परिचय दिया कि आज जो संतोष जी बेनीवाल है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो जो मेरी माताएं बहने यहाँ पे बैठी है मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज के दिन जो हक है वो मांगने से नहीं मिलते, उसके लिए हक छीनने पे बात आती है तो हक छीनने पड़ते हैं। तो इन्हीं के साथ मैंने कंधे से कंधा मिला के सबका साथ दिया क्योंकि एक किसान की बेटी हूँ, सरपंच तो बाद में बने हैं, किसान की बेटी हूँ। जब किसान की और जनता की आवाज उठती है तो संतोष बेनीवाल वहां पे खड़ी खड़ी है। आज हम यहाँ पे कथा में पहुंचे हैं तो मैं ये आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि राम के नाम लेने से क्या कुछ हो सकता है। एक राम का नाम हमें किस परिस्थितियों से बचा सकता है? एक बार दो बाप बेटे थे, बाप बेटे जो दोनों थे वो चोरी करते थे। तो चोरी करते थे तो एक गांव के अंदर कथा चालू थी तो बेटे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये क्या चल रहा है। तो पिताजी ने जवाब दिया कि बेटे ये कथा चल रही है पर ये अपने काम की चीज नहीं है क्योंकि हम तो हमेशा चोरी करते हैं। तो कथा में जाना तो हमारे काम की चीज है ही नहीं। तो उस कथा के चलते जो उस बाप का बेटा था उसके कानों में एक बात पड़ी कि देवता की परछाई नहीं होती। तो उसको ये समझ आया कि देवता की तो कोई परछाई नहीं होती। तो वो राजा के दरबार में गए और उन्होंने दोनों भाव बेटों ने क्योंकि उनका तो वही काम था कि चोरी करनी है हमें तो चोरी करने चले गए। चोरी करने के बाद जब राजा के दरबार में चोरी होगी तो राजा ने आदेश दिया कि चोरों को पकड़ा जाए। तो वहां पे जो दासी थी वो बोले जी चोर तो मैं पकड़ के ले आऊंगी। तो राजा ने सोचा कि हमसे चोर नहीं पकड़ा गया, ये दासी किस हिसाब से चोर पकड़ के ले आएगी। तो बोले एक बार देखते हैं कि महिला है कह के तो देखते हैं कि चोर पकड़ के ले आओ। तो राजा ने आदेश दे दिया कि चलो आप किस भलीमंदी किसी तरह चोर पकड़ के लेके आते हो तो आप ले आओ। तो उस जो दासी थी उसने देवी का रूप धारण किया और जो लड़का था उसके पास जाके खड़ी हो गई, बोली बेटे बता तूने चोरी करी है क्या? तो वो लड़का बोला कि माता जी मैंने तो चोरी तो नहीं की। उसको वो बात याद आ गई जो उसने कथा में सुनी थी कि देवता की कोई परछाई नहीं होती। तो उसने सामने देखा, साइड में देखा तो उसको परछाई दिखी। उसकी परछाई देखने के बाद उसको समझ आया ये देवता तो नहीं है। क्यों देवता की तो वहां कथा में सुना था कि परछाई नहीं होती। तो उसने मना कर दिया कि हे माता मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो वो दासी राजा के पास जाके बोली महाराज जी ऐसे है कि उसने तो चोरी नहीं की क्यों मैं उसके पास भगवान का रूप लेके उसके पास गई। तो वो कहते हैं ना कि भगवान का रूप जब सामने हो तो कोई भी
आदमी होता है वो झूठ नहीं बोलता। तो उसने उसके मन में ये था कि भगवान की परछाई नहीं होती, तो उसने सोचा ये तो भगवान है ही नहीं, पता ही था उसको। तो वही बात है कि वो फांसी के फंदे से बच गया एक नाम से। तो आज आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आपको एक ही यही बात कहना चाहूंगी कि राम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा ना कोई, जो सिमरे राम नाम को शुद्ध आत्मा हो। तो इसी के साथ आप सबने जो मेरे को मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।